शूट करेंगे इसीलिए ये सब जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप पता नहीं क्या क्या मेरी बुराई की जा रहे हो, वो भी मेरी ऑडियंस के साथ। मैं कहूँ कि ये सब इतना सजाया क्यों जा रहा है। फाइनली चूड़ा क्यों पहना जा रहा है, शादी के बाद पहली बार चूड़े में देखा होगा आपने मुझे। हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय टुडेज ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। ओके, हर शक्तिपीठ की होती है एक खासियत, और इस शक्तिपीठ की खासियत ये है कि इस शक्तिपीठ में जो माता रानी है उनको कहा जाता है ट्रांसजेंडर समुदाय की संरक्षिका और उनकी कुल देवी। ओके, कुछ समय पहले प्रयागराज में कुंभ मेला जब हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ करा था ट्रांसजेंडर समुदाय को कि वो भी अपना एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपने ग्रुप को लेकर आ सकते हैं, जैसे कि बाकी सारे साधु संन्यासियों की टोली आई थी। तो वो जब ग्रुप में आए तो उनका जो लीडर था उनके हाथ में थी तो भगवान जी, पहले अर्धनारेश्वर स्वरूप शंकर जी का और दूसरा था बहुचरा माता। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बहुचरा माता को माना जाता है ट्रांसजेंडर समुदाय की संरक्षिका और कुल देवी। तो आज हम लोग उन्हीं के मंदिर में चल रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे कि कैसा मंदिर है और क्या क्या है वहाँ पे ऐसा खास। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बहुचरा माता के मंदिर शक्तिपीठ में। ओके, ये इंडिया का ऐसा वन एंड ओनली शक्तिपीठ है जो डेडिकेटेड है जो हमारा थर्ड जेंडर है उनके लिए। तो ये उनकी कुलदेवी, थर्ड जेंडर की कुलदेवी भी मानी जाती है बहुचरा माता, और वहाँ पर वो सब लोग बैठते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। काफ़ी फेमस है ऑल ओवर इंडिया में। सो आज मैं वहीं जा रही हूँ। सो लेट्स गो पीहू। तुम नहीं दिख रही हो, तुम इतनी प्यारी लग रही हो बट तुम दिख नहीं रही हो। पीहू इधर देखो, पीहू का छोटा सा क्लिप। पीहू के भी बाल नहीं है तो क्या हुआ, पीहू क्लिप तो लगा ही सकती है बट वो शैतानी देने में इंटरेस्टेड है, उसको बाकी कोई और इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। और ये क्लिप निकालने वाली है बस थोड़ी सी ही देर में। ओके, मंदिर आ चुका है। अभी हमें गाड़ी पार्किंग की जगह देखनी है कि हम गाड़ी कहाँ पार्क करें। ओके, यहाँ पे हमेशा मेले के जैसा लगा रहता है, जैसे कि नॉर्मली मंदिरों के बाहर लगा रहता है। यहाँ से आप नारियल, फूल और जो भी पूजा के लिए सामान खरीदना चाहते हो वो भी यहाँ से आप ले सकते हो। ओके, हम बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं और यहाँ पे आरती की शुरू हो गई। अब हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं आरती के लिए गर्भगृह की तरफ। लेकिन हाँ, गर्भगृह का शूट मैंने नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है शूट करना या फ़ोन ले जाना। तो ये पूरी बाहर की बिल्डिंग है जो मेन गर्भगृह है, उसके चारों तरफ हमने परिक्रमा करी थी, अभी हम वही कर रहे हैं। तो ये मेन बिल्डिंग है जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लंबी सी कालीन बिछी हुई है। वो इसीलिए है क्योंकि ये जो पत्थर है वो इतनी तेज़ धूप पड़ती है कि पैर जलते हैं उसको चलने में भी। ये छोटे छोटे से कुछ मंदिर हैं जो बने हुए हैं गर्भगृह के आसपास सभी देवी देवताओं के, तो उनमें भी सभी लोग पूजा करते हैं। ये पूरा एरिया है, ये मेन लाइटनिंग वगैरह आप देख रहे हो, ये लाइटनिंग है। और ये हमारी प्यारी सी पीहू है जो अपने पापा के साथ मंदिर के दर्शन कर रही है। तो इस मंदिर का निर्माण 1783 में किया गया था, लेकिन ये अपने आप में बहुत प्राचीन मंदिर है क्योंकि यहाँ पर
इक्यावन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और माना जाता है कि माता सती का बाहु यहाँ पर गिरा था, इसीलिए इसको बहुचरा देवी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से दानवों का भक्षण उन्होंने किया था, इसीलिए भी इनका नाम बहुचरा माता है। सो बेसिकली ये मंदिर दो चीज़ों के लिए फेमस है। पहला कि ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो हिजड़ा कम्युनिटी है, उसके मेंबर्स के लिए। देखिए अभी पेड़ के नीचे वो सारे ट्रांसजेंडर जो लोग हैं समुदाय के, वो बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जो भी दर्शन करने आता है ज़रूर जाता है। हमने भी इनका आशीर्वाद अभी लिया था। और दूसरा जो कारण है, लोग दूर दूर से दर्शन करने इनके आते हैं, कि ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के कोई संतान नहीं होती है वो संतान प्राप्त की प्राप्ति के लिए कामना करने यहाँ पर आते हैं और माता उनकी संतान प्राप्ति की कामना को पूरी करते हैं। तो लोग इसीलिए भी काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। सो अभी हमने माता के दर्शन कर लिए हैं और जो गर्भगृह है वो मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि उसको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है शूट कर। ओके, सो मंदिर में थोड़ी देर बैठना होता है, तुरंत नहीं कभी भी जाना जाएंगे दर्शन करके। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं। जहाँ मैं बैठी हुई हूँ वहाँ आप देखिए पीछे की साइड आपको बहुत सारे फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं। ये पिक्चर्स उन लोगों ने लगाई है जिनने बेबी होने की मन्नत मांगी थी और उनके बेबी हो गया है, तो उन सब वो सब लोग आके फ़ोटो यहाँ पर लगा देते हैं। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम निकलते हैं घर की तरफ अपने। ओके, सो अभी हम बाहर की तरफ आ गए हैं देवी माता के दर्शन करने और रास्ते में हमें दिखा आम का ठेला, तो हमने आम ख़रीदा। ओके, सो अभी रात काफ़ी हो गई है और हम वापस जा रहे हैं। बेटी मेरी गाली में क्यों लोई बेटी मेरी। सो ये था हमारा आज का ब्लॉग, हमने शक्ति पीठ बहुचर माता के दर्शन। पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।